हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन अंगारा बनाने की रेसिपी, जो कि बेहद टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप किसी भी मौके या अवसर पर इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी इसका लाजवाब होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच अक्की धनिया लिया है और यहाँ पर एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 हमने लौंग लिया है, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 हमने साबुत लाल मिर्च ली है लाल। और इसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच लिया है काली मिर्च और 7 से 8 हमने बादाम लिया है, 7 से 8 हमने काजू लिया है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम रोस्ट करेंगे, इसका हम कलर नहीं चेंज करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इस तरीके से आप ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, मसालों को अच्छे से हमने पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया। यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम चिकन लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने पीस कर रखा था और 1 चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे। 1 चम्मच हमने नमक डाल देना है, 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाला है और 7 से 8 हमने अब टमाटर लिया था उसे हमने पीस लिया था वो डाल देंगे उसका पेस्ट बनाकर। और 1 कप हमने यहाँ पर दही ली है वो डाल देंगे और यहाँ पर कांदा हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था वो उसको हम ग्राइंड करके अच्छे से पीस करके उसको भी डाल देंगे। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से कांदे को फ्राई करके डालने से। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फटाफट बन जाता है, तो आप इसे इस तरीके से हमारे मेथड से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको बनेगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर इसे हम आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देंगे जिसमें हमने गोल्डन फ्राई किया था ओनियन को, ये वही तेल है, तो उसे भी डाल देंगे और अच्छे से चिकन और मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे तो यहाँ पर हमने आधे से 1 घंटे के लिए रखा था, तो हमारा आधे से 1 घंटे हो गया है। तो अब इसके में हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और इसे भी हम मिला देंगे और अब गैस की फ्लेम को हम चालू कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही पहले हम गैस की फ्लेम को चालू करके इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसे फिर से थोड़े थोड़े टाइम पर खोल खोल कर इसे हम अच्छे से चला लेंगे जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए हमने अच्छे से लो फ्लेम पे ही पकाया है जिससे कि चिकन अच्छे से पक जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर अब इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए और ढककर पका लेंगे। अब हरी धनिया डाल देंगे। हरी धनिया से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी अच्छे से आता है और अच्छा भी लगता है देखने में, तो इसे भी डालकर अच्छे से हम पका लेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे 1 कटोरी, इसमें हम कोयले का फ्लेवर देंगे, तो इसके लिए हम कटोरी ले लेंगे और इसमें हमने कोयले को जलाकर रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और घी डालकर इसका हम फ्लेवर देंगे कोयले का। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कोयले का फ्लेवर दे दिया है। अब इसे हम कटोरी निकाल कर साइड पर रख देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनता है बहुत ही कम टाइम में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसके बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।